हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट आलू चिप्स, जिसे आप घर पर बहुत ही जल्दी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको इन्हें धूप में सुखाने की ज़रूरत भी नहीं होती और इन्हें बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता। तो चलिए आलू के कुरकुरे चिप्स बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आलू के चिप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 आलू लिए हैं। इन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इन्हें छील लेंगे। तो मैंने यहाँ पर आलू के चिप्स बनाने के लिए नॉर्मल आलू का इस्तेमाल किया है। मैंने कोई भी यहाँ पर चिप्स वाले आलू नहीं लिए हैं। तो इसी तरह से हम सारे आलूओं को छीलकर तैयार कर लेंगे। आलू छीलने के बाद हम इसे पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर आलूओं को पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इनसे चिप्स कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ग्रेटर लिया है। इस ग्रेटर में आप दो तरीके से चिप्स बना सकते हैं। एक चिप्स आप डिजाइन वाले बना सकते हैं और एक सिंपल वाले। तो मैं यहाँ पर सिंपल वाले चिप्स बनाकर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे चिप्स को कट कर लेंगे। अगर आपके पास ग्रेटर नहीं है या आपको इससे चिप्स काटना नहीं आता है, तो आप नाइफ की हेल्प से पतले पतले आलू के स्लाइस कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से चिप्स बनाकर तैयार कर रही हूँ। इसी तरह से हम सारे आलू के चिप्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आलू के चिप्स एकदम सही तरीके से बन रहे हैं। इसी तरह से हम सारे आलू के चिप्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारे आलू के चिप्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें वॉश कर लेंगे। तो हम यहाँ पर 2 से 3 बार पानी में अच्छे से चिप्स को वॉश कर लेंगे, जिससे कि इसमें जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए और चिप्स हमारे एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हों। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से 2 से 3 बार पानी बदल बदल कर वॉश कर लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आलू के चिप्स दोबारा से पानी में डाल दिए हैं। इन्हें हम फिर से अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब हम इन चिप्स को टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे, जिससे कि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और चिप्स हमारे अच्छे से ड्राई हो जाएं। आप चाहें तो इसे एक साफ कपड़े में भी निकाल कर अच्छे से ड्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इन्हें एक प्लेट में निकालने के बाद इसके ऊपर एक टिश्यू पेपर बिछा लूँगी, जिससे कि इसमें ऊपर का पानी भी अच्छे से सूख जाए। 2 मिनट के बाद हम टिश्यू पेपर को हटा देंगे। तो यहाँ पर हमारे चिप्स अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें फ्राई करने के प्रोसेस में चलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिप्स में जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया है। अब मैंने यहाँ पर गैस पर ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। ऑयल जैसे ही हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा, हम इसमें ये चिप्स डाल देंगे। हमें चिप्स को हाई फ्लेम पर डीप फ्राई करना है। तो मैं यहाँ पर चिप्स कढ़ाई में डाल दूंगी। अब हम इन्हें लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर गैस के फ्लेम को हाई करके रखा हुआ है। अगर आपको लगे कि आपके चिप्स जल रहे हैं, तो आप इसे हल्का सा मीडियम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे बीच बीच में चलाती जा रही हूँ। चिप्सों का कलर चेंज होने लगा है और चिप्स हमारे धीरे धीरे क्रिस्पी होने लगे हैं। तो हमें चिप्स को इसी तरह से चलाते हुए
क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिप्स हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। हम इन्हें 2 मिनट के लिए और फ्राई कर लेंगे। चिप्स जैसे ही हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे हम इन्हें निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिप्स हमारे एकदम क्रिस्पी बने हैं। तो इसी तरह से हम सेम प्रोसेस से बाकी के बचे हुए चिप्स भी फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर दूसरे बैच के चिप्स भी कढ़ाई में डाल दिए हैं। इन्हें भी हम सेम प्रोसेस से हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे चलाते हुए। तो यहाँ पर चिप्स हमारे अच्छे से क्रिस्पी होने लगे हैं। अभी हम इन्हें कुछ देर और फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर चिप्स हमारे बनकर एकदम तैयार हैं। इन्हें भी हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारे चिप्स को एक बड़े बोल में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो चिप्स को टेस्टी बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी। अब मैं यहाँ पर इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूंगी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करूंगी। अब हम चिप्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे टॉस टॉस करके मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पर हमारे चिप्स बनकर एकदम तैयार हैं। आप देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो आप भी मेरे इस तरीके से झटपट आलू के चिप्स बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।